हेलो फ्रेंड्स, मैं यह सिंपल सा वेज बिरयानी बता रही हूँ। ये फास्टिंग के लिए है, जो फास्टिंग रहते हैं उनके लिए। आप बना के ट्राई कर सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा सा तेल लिया है, उसके बाद मैं थोड़ा देसी घी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। जैसे घी और तेल गर्म हो, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा को छौंकूंगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, 2 तेज पत्ता, और ये मैंने इसको भी काटा है बारीक बारीक। मैं ये बासमती गेहूं चावल 1.5 गिलास, 1.5 गिलास मैं डाल रही हूँ 2 गिलास गरम पानी। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि ग्रेवी और अच्छा से पक जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी मेथी। मेथी के पत्ते जैसे थोड़ा सा भूनता है मेथी, तब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, हरी मटर। मैं 1.5 गिलास ली हूँ बासमती चावल, इसे धो के 1/2 घंटा पहले रख दी थी, तो ये ऐसे खुला खुला बनेगा। 1.5 गिलास चावल में मैं डाल दूँ 2 गिलास 2 गिलास पानी। दोनों ओपन देंगे। अब ये जैसे भून भून चुका है, अब मैं ये धुला हुआ राइस को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ी देर अच्छे से 5 मिनट तक सिमने में ऐसे भून रही हूँ।
उसके बाद इसमें थोड़ा सा लो फ्लेम पर, लो फ्लेम पर इसे भून रही हूँ मैं, तो लो फ्लेम में थोड़ा सा पकाएंगे। इसमें मैं पानी लूँगी डेढ़ ग्लास, सॉरी इसमें मैं पानी लूँगी, डेढ़ ग्लास चावल लूँगी, तो इसमें मैं पानी ले रही हूँ सवा दो डाल सकती हूँ चावल के हिसाब से। और ऐसे भी पुलाव में आप जितना चावल लेते हैं उससे आपको थोड़ा सा पानी कम ही रखना है, क्योंकि वो दम में पकता है बनने के बाद में। मैं भून लूँगी फिर अच्छे से, अब लो फ्लेम कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला पेस्ट का, शाही पनीर टेस्टी रहता है, मैं इसी के यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत कम ले रही हूँ इसे, मैं बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे भी खाएंगे झाड़ भी जाए तो थोड़ा तीखा भी होता है, इसलिए आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना गर्म मसाला डाल सकते हैं। सिंपल वेज बिरयानी बता रही हूँ, इसमें तो कई तरह का बनते हैं, मैं आगे वो भी शेयर करूँगी आप लोग से। अब इसे मैं भून रही हूँ थोड़ा अच्छे से, फास्टिंग के लिए है, फास्टिंग जो रहते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन उसमें प्याज नहीं है, अदरक नहीं है, लहसुन नहीं है, वैसे अदरक आप डाल सकते हैं, लहसुन नहीं है। और सिंपल में ये बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी। मैं गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ, यह फ्राई हो गया है, बॉइल पानी भून रही हूँ। मैंने डेढ़ ग्लास चावल लिया है, सवा दो ग्लास पानी लिया है, सवा दो ग्लास पानी लेने को गर्म कर डाल रही हूँ, डायरेक्ट में डाल दे रही हूँ, ग्लास सवा दो ग्लास पानी है। इसे फ्लेम को थोड़ा लो फ्लेम करके पांच मिनट में इसे पकाऊंगी मैं। नमक आप साथ अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं शिमला नमक डाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पांच मिनट दम में रखने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छा एकदम खुला खुला बना है।
ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा, फास्ट में आप खा सकते हैं इसे, हमेशा फास्ट में, नवरात्रि वगैरह में नहीं, जैसे रेगुलर फास्टिंग होता है उसमें आप जैसे प्याज लहसुन नहीं खाते उसमें आप इसे बना के खा सकते हैं।